गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास सिक्स की बुक फिजिक्स पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग ने हाफ पार्ट पढ़ चुका था फर्स्ट चैप्टर का मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। आज उसके आगे पढ़ेंगे मेजरिंग द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग स्केल। स्केल से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे मेजर कर सकते हैं, तो इसका सिंपली बस दो तरीका हम लोग जान लें, बस दो तरीका करेंगे उससे हम लोग मेजर हो जाएगा आसानी से। पहला है प्लेसमेंट ऑफ द रूलर और दूसरा है पोजिशन ऑफ द आई। हम लोग जो जिस भी चीज़ को मेजर करना है या फिर रूलर से मेजर करें या स्केल से जिस भी चीज़ से मेजर करेंगे उसको एकदम स्ट्रेट रखेंगे, एकदम सीधा, ऐसा नहीं है कि तिरछा रखेंगे। अगर हम इस टाइप से उसको रखेंगे तो हमारा जो है वो रीडिंग है वो गलत आएगा। हम इसको एकदम सीधा रखेंगे और उसके ऊपर पेंसिल को रखेंगे, फिर उसकी जहाँ पे निब जाएगी वहाँ से हम मेज़र कर लेंगे कि कितना है। तो इसके लिए हम लोगों को सबसे ज़रूरत चीज़ होती है वो है प्लेसमेंट ऑफ द रूलर और स्केल। हम लोग एकदम सीधा रखेंगे, उसका प्लेसमेंट कैसा होना चाहिए, उसका कैसे रखना होना चाहिए, एकदम सीधा। तो हमें किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए सबसे ज़रूरी बात है पहला कि हम लोगों को स्केल या फिर रूलर जिस पे हम लोगों को मेज़र करना है उसको एकदम सीधा रखेंगे। ठीक, अब बात करिए, मान कि आपका स्केल यहाँ से टूटा हुआ है, ठीक, अब आप कैसे मेज़र करोगे, यहाँ पे ब्रोकन हो गया, आपके पास कोई स्केल नहीं है और अब आप कैसे मेज़र करोगे, तो आप ये ब्रोकन पार्ट को छोड़ दोगे और यहाँ पे रखोगे पेंसिल जो भी आपको मेज़र करना है, उसके बाद जितना छोड़ा है उसके बाद उससे फाइनल रीडिंग में माइनस कर दोगे। जैसे कि मान के चलो इतना दूर टूटा हुआ है, आपने यहाँ पे रखा, यहाँ से यहाँ पे जितना हुआ, यहाँ पे जितना आया उससे फाइनल रीडिंग को माइनस कर दें। जैसे 8 आया यहाँ पे आपने 1 सेंटीमीटर छोड़ा, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर आया, तो 8 में 1 माइनस कर देंगे 7, तो इससे आपका आ जाएगा रीडिंग। तो अगर स्केल का कोई भी थोड़ा सा पार्ट ब्रोकन है तो हम लोग उसको ऐसे ही मेज़र कर सकते हैं। तो इस टाइप से मेज़र करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो हम लोग ज़्यादा प्रीफर करेंगे कि एक अच्छा स्केल लिए जो कि टेम्पर्ड नहीं हो, टूटा उटा नहीं हो, एक अच्छा हो, तो उसे हम लोग एकदम सीधा रखेंगे, बिल्कुल तिरछा उरछा नहीं रखेंगे। तो प्लेसमेंट ऑफ द रूलर हमने जान लिया, अब दूसरा है पोजिशन ऑफ द आई। आई का पोजिशन क्या होगा, हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि इस स्केल पर हमको इस पेंसिल का मेज़रमेंट करना है, तो हम कैसे मेज़र करेंगे। जैसे इसका लेंथ मेज़र करने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो है उसका फर्स्ट इन जो है उसको ज़ीरो पे रखेंगे और फिर जहाँ उसकी नीब होगी हम देख लेंगे। बट देखने का जो तरीका है, मेन पॉइंट यहाँ पे यही है, देखने का जो तरीका है वो कैसा होगा, वो एकदम आपको सीधा होना चाहिए, एकदम 90 डिग्री, तिरछा नहीं। यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर यहाँ पे इसकी नीब है तो हमको एकदम सीधा अपराइट 90 डिग्री देखनी चाहिए, थोड़ा सा भी तिरछा उरछा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इतना तो भी पॉइंट भर भी आपको तिरछा जो है आपका जो रीडिंग है वो आपको गलत बता देगा, उसके आंसर जो है आपको एक्यूरेट नहीं आएंगे, इसलिए आपको एकदम सीधा होनी चाहिए। तो इसमें जो है आपको पोजिशन जो है वो आई का एकदम सेंटर में होगा, तिरछा नहीं होना चाहिए, तो ही हम सही मेजरमेंट होगा। तो यही दो फैक्टर्स है जब हम किसी भी रूलर या स्केल से मेजर करते हैं तो यूज करते हैं ताकि हमें सही टेम्परेचर, सही मेजरमेंट मिले। पहला है प्लेसमेंट ऑफ द रूलर और दूसरा है पोजीशन ऑफ द आई। आप बात करते हैं पैरलेक्स एरर किसे बोलते हैं, तो जब आपकी आंखों की पोजीशन ऑन द सेम लाइन नहीं होती है जो आप पढ़ रहे हो, वो अगर सेम लाइन पे ना हो तब आपको एरर मिलेगा, जिसे हम लोग पैरेलेक्स एरर बोलते हैं। अब बात करते हैं कि हम लोग किसी भी कर्व लाइन को कैसे मेज़र करते हैं, कोई भी जो कर्व चीज़ होती है उसे हम लोग कैसे मेज़र करेंगे। सपोज हम बोले कि एक कर्व ट्रे है, ठीक, उसको आपको मेज़र करना है, तो आप कैसे मेज़र करोगे। अब ट्रे तो कर्व होती है, उसको मेज़र कैसे करेंगे, इंच टेप या फिर स्केल को हम लोग कैसे टेढ़ा करेंगे, तो इसके लिए हम लोग थ्रेड का यूज़ करते हैं, हम लोग धागा का यूज़ करते हैं। ये सबसे ईजी है, इसका सबसे सिंपल तरीका हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि मान के चलिए आप एक धागा लीजिए, ठीक, उसके बाद जो आपका कर्व सरफेस है, एक कर्व जैसे ट्रे है, तो एक धागा लो और उसके पॉइंट को जो है फिक्स करो, जैसे जैसे उस कर्व चीज़ का शेप है, ठीक, उसके पॉइंट को फिक्स करें, उसके अकॉर्डिंग धागा रखो, फिर उसका एंड पॉइंट तक ले जाकर एंड पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट नोट कर लो और फिर उस धागा को स्केल पे रख दो सीधा और आपको आपका रीडिंग मिल जाएगा, सबसे इजी वे। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं एक कर्व सरफेस है, कर्व ट्रे है मान के चलिए, तो उसको हम लोग कैसे मेज़र करेंगे, एक धागा लिए, उसके बाद वहाँ पे पिन नॉट नॉट किए और उसको फर्स्ट पॉइंट से लेके लास्ट पॉइंट तक ले गए उसके शेप के अकॉर्डिंग, उसके बाद उसको स्केल पे जाके सीधा रख दिए, फिर जहाँ तक आया वो उसका मेज़रमेंट हो गया। आप आगे बात करते हैं रिलीवेंस ऑफ एस्टिमेशन की, ये क्या होता है। तो हम लोग
बहुत सारे केसेस में देखते हैं हम लोगों को कि जो एकदम एक्यूरेट मेजरमेंट चाहिए, थोड़ा सा भी एरर होना नहीं चाहिए। जैसे कि मान के चलिए मेडिसिन जो हम लोग खाते हैं उसमें जो है एक्यूरेट मेजरमेंट चाहिए, कितना क्या लगेगा नहीं लगेगा एकदम बिल्कुल। अगर थोड़ा सा भी डिफरेंट होगा तो इससे पेशेंट को जो है वो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। और कभी कभी हम लोग देखते हैं वी डू नॉट रिक्वायर टू मेक एक्यूरेट मेजरमेंट, कभी कभी जो है रफ आइडिया जो है वो गुड होता है। रफ मेजरमेंट जो हम लोग करते हैं जो कि इनएक्यूरेट होता है उसी लोग हम लोग एस्टिमेशन बोलते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल में से समझते हैं, आपकी मम्मी जो है आपके लिए खाना बनाती है तो उसको पूरा आइडिया नहीं होता है कि कितना इंग्रेडिएंट्स कितना चीज़ क्या दे जो एकदम अच्छा बने। वो अपना देती है, अपने हिसाब से वो देती है और वो जो है अच्छा बन जाता है। ऐसा नहीं कभी कभी खड़ा होता है नहीं तो अच्छा बनता है, तो इसी हम लोग बोलते हैं रफ आइडिया, एकदम एक्यूरेट नहीं देती। हाँ हम इतना ही नमक देंगे तो अच्छा होगा, वो अपने हिसाब से डाल देती है, इसे ही हम लोग इस्टीमेशन बोलते हैं। और इस्टीमेशन स्किल जो है हमारे लिए बहुत यूज़फुल होता है, हमारे लाइफ में कभी कभी ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। अब हम लोग बात करते हैं रेस्ट एंड मोशन की और मोशन के टाइप के। तो हम लोग जानते हैं कि जो भी चीज़ मूविंग कर रही है हमारे आसपास, हम लोग देखते हैं हम लोग जैसे चल रहे हैं, हम लोग यहाँ पे हैं फिर हम लोग ऐसे ऐसे चल के गए तो ये मोशन हुआ, वही जो मूविंग हुआ इसे ही हम लोग बोलते हैं मोशन। अब हम लोग देखते होंगे हम लोग जैसे क्लासरूम में हम लोग आसपास जैसे कि ब्लैक बोर्ड हुआ वो एक जगह स्थिर है, डेस्क हुआ, चेयर हुआ, ये सब जो है मूव नहीं कर रहा है, पेड़ हो गया ये सब मूव नहीं कर रहा, वो एक जगह स्थिर है, इसे हम लोग बोलते हैं स्टेशनरी या फिर रेस्ट। अगर कोई भी चीज़ अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स या फिर टाइम के साथ तो उसे हम लोग स्टेशनरी या फिर रेस्ट बोलते हैं। जैसे कि हम लोग रोड पे देखते होंगे या फिर कहीं पे कार, साइकिल, बस, सब चीज़ मूव कर अपने पोजीशन को चेंज करके दूसरे पोजीशन पे जा रहा है, एक जगह से दूसरे जा रहा है, उसे हम लोग बोलते हैं मोशन। तो सिंपली जब कोई चीज़ अपना पोजीशन चेंज करती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो उसे हम मोशन बोलते हैं, और जब कोई चीज़ एक जगह स्थिर रहती है अपना पोजीशन चेंज नहीं करती तो उसे हम लोग स्टेशनरी या रेस्ट बोलते हैं। जैसे कि पेड़ हो गया, ये तो अपना पोजीशन चेंज नहीं करती, एक ही जगह स्थिर रहती है, तो इसे हम लोग स्टेशनरी या रेस्ट बोलते हैं। जैसे हम लोग अगर बस से कहीं जा रहे हैं तो उस टाइम में भी हम लोग मोशन में रहते हैं, क्योंकि जो है हम अपना पोजीशन चेंज करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। तो बस से जो हम लोग जा रहे हो तो वो हम लोग में मोशन में होगा, लेकिन जो पेड़ हो गया हम लोग को लगता है कि वो भी हिल रहा है, वो भी एक जगह से दूसरे जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो अपनी जगह स्थिर ही रहता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं रेस्ट। तो सिंपली जो हो गया वो स्टेशनरी हो गया जो कि मूव नहीं करता है, और मोशन में हो गया जो कि मूव करता है। आप कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है या फिर मोशन में है, इसको क्लासिफाई करने के लिए हम लोगों को हमारे सराउंडिंग में एक फिक्स पॉइंट चूज़ करने की ज़रूरत है, जिसे हम लोग रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। आप बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन कितने प्रकार के होते हैं, मोशन जो है बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे कि पहला हो गया ट्रांसलेटरी मोशन। अब बात करते हैं ट्रांसलेटरी मोशन की, ट्रांसलेटरी मोशन हम लोग किसको बोलते हैं, तो जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता है, उसका होल पार्ट जो है मूव करता है सेम डिस्टेंस में इन ए गिवन टाइम, तो उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन जो है रेक्टिनिलियर और कर्विलिनियर होता है, ट्रांसलेटरी मोशन जो है वो रेक्टिलिनियर और कर्विलिनियर होता है। अब बात करते हैं रेक्टिलिनियर और लीनियर मोशन की, तो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेक्टिलिनियर मोशन इफ इट मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इन वन डायरेक्शन ओनली। हम लोग उस ऑब्जेक्ट को रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे, जैसे कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में सिर्फ मूव कर, जैसे मान के चलो एक ऑब्जेक्ट ए पे है एक बी पे, और स्ट्रेट लाइन में सिर्फ स्ट्रेट लाइन में सीधा मूव करता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। सिंपली स्ट्रेट लाइन में मूव करे तो उसे हम लोग लीनियर मोशन या फिर रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। जैसे कि एक कार मूव करता है स्ट्रेट लाइन में, कोई लड़का है वो 50 मीटर एक फ्लैट रेस मतलब सीधे लाइन में एक दौड़ता है, मतलब स्ट्रेट लाइन में जो भी मूव करे उसे हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर या फिर सर्कुलर मोशन। अब बात करते हैं सर्कुलर मोशन की, तब जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर गोल गोल घूमे तो उसे हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मोशन, सर्कल में घूमे। जैसे कि हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं इसमें जो घड़ी में जो ये सुई या निडल है वो गोल गोल घूमती है सर्कुलर मोशन में, स्पिनिंग टॉप मान के चलिए जो देख रहे हैं आप जैसे लट्टू बोलती है गोल गोल घूमता है ये सर्कुलर मोशन में। आप लोग झूला देखते होंगे पूरा गोल गोल रहता है राम झूला, उसे हम लोग गोल गोल घूमते हैं रेक्टिलिनियर मोशन में। मान के चलिए पंखा, पंखा जो होता है पंखा का जो पत्ती होता है वो हो गया सर्कुलर मोशन में,
तो जो भी घूमे गोल गोल घूमता है, जो सर्कुलर वे में घूमता है उसे हम लोग सर्कुलर मोशन बोलते हैं, और जो सीधा घूमता है स्ट्रेट लाइन में जो चलता है उसे रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं, और जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर में सर्कल में मोशन करे, सर्कल में मूव करे, तो उसे सर्कुलर मोशन बोलते हैं। सर्कुलर मोशन जो है वो रोटेशन और रिवोल्यूशन टाइप का होता है। रोटेशन और रिवोल्यूशन जो है सर्कुलर मोशन का टाइप होता है। जैसे कि हम बात करें अर्थ के मूवमेंट की, अर्थ जो मूव करता है वो अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, तो वो हो गया रोटेशन। और सन जो मूव करता है वो उसका सॉरी अर्थ अपने एक्सिस पे मूव करता है वो हो गया रोटेशन, और अर्थ जो है वो सन के अराउंड मूव करता है वो हो गया रिवॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो है वो गोल गोल घूमता है लेकिन रोटेशन में और रिवॉल्यूशन में। जब अपने एक्सिस पे मूव करता है तो रोटेशन, और जब सन के अराउंड मूव करता है तो वो हुआ रिवॉल्यूशन। तो सर्कुलर मोशन जो है रोटेशन और रिवॉल्यूशन की टाइप्स की होते हैं। जैसे हम मान के चले एक स्टेडियम में कोई गोल गोल दौड़ रहा है, एकदम सर्कल में दौड़ रहा है, वो हो गया। फिर घड़ी की सुई की बात किए थे, फिर पंखा हो गया, अब हम स्टोन को ले लिया उसको गोल 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 घुमा रहे हैं, तो ये सब हो गया सर्कुलर मोशन। अब बात करते हैं कर्विलिनियर मोशन की। तो जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है कर्व पाथ पे, जैसे कि ट्रेन हो गया, कार हो गया, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो ट्रेन हो गया, कार हो गया, इस टाइप से ये जब कर्व पाथ पे जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उसे हम लोग बोलेंगे कर्विलिनियर मोशन। और बात करते हैं रैंडम मोशन की। रैंडम मोशन हम लोग तब बोलेंगे जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वह रैंडम मोशन में मूव करेगा, जैसे कि उसका जो डायरेक्शन है वह इरेगुलर रहेगा। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये लोग दौड़ रहा है, हॉकी में जो प्लेयर्स दौड़ रहे हैं, या फिर हनी भी जो मूव करती है गार्डन में, ये लोग जो है अपने डायरेक्शन को जो है इरेगुलर मैनर में चेंज करते हैं। ऐसा नहीं है कि फिक्स तरीके से या तो स्ट्रेट ही जा रही है या तो फिर गोल गोल भी घूम रहे हैं, अभी यहाँ पे फिर यहाँ पे भी जा सकते हैं, यहाँ पे भी इरेगुलर तरीके से, तो इसे हम लोग बोलते हैं रैंडम मोशन। अब हम बात करते हैं रोटेशनल मोशन की। तो हम लोग रोटेशनल मोशन उसके बोलते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस पे मूव करे। जैसे कि हम लोग बात करते हैं फ़ैन की जो ब्लेड्स होती है, फ़ैन की जो पूरी फ़ैन की बात नहीं करें, फ़ैन की पत्ती जो होती है सिर्फ उसकी बात करें, वो अपने एक्सिस पे मूव करती है। अर्थ के जो मूवमेंट होता है अपने एक्सिस पे, वो सिर्फ अपने ही एक्सिस पे मूव करती है, तो इसे हम लोग बोलते हैं रोटेशनल मोशन। इस टाइप के मोशन को हम लोग बोलेंगे रोटेशनल मोशन। तो जब कोई ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस पे मूव करता है और उसका डिफरेंट पार्ट जो है वो मूव करता है डिफरेंट डिस्टेंस में इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, एक समय अंतराल पर, तो उसे हम लोग बोलते हैं रोटेशनल मोशन। अब बात करते हैं पीरियोडिक मोशन की। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? तो अगर जब मोशन रिपीट होता है, एक रिपीट द मोशन आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, जब मोशन जो है एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर रिपीट होता है तो उसे हम लोग पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। When a particle repeats its motion after a fixed interval of time, the particle is said to be in periodic motion. जैसे कि हम यहाँ पे ले बात करते हैं, एक घड़ी पेंडुलम वाली घड़ी देखती होगी, वो पहले यहाँ पे जाएगा फिर यहाँ पे जाएगा, ए पोजीशन पे गया फिर बी पोजीशन पे, तो अपना जो पोजीशन है रिपीट कर रहा है, ए पे आया फिर बी पे जाएगा फिर ए पे जाएगा। जैसे मान के चलो झूला हम लोग झूलते हैं, तो हम लोग यहाँ गए फिर यहाँ आए, यहाँ गए यहाँ गए, हम लोग रिपीट करते रहते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट जो है अपना जो है मोशन को रिपीट करे उसे हम लोग पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। एक जगह पे फिर दूसरी जगह फिर वापस वहाँ पे फिर वहाँ पे, एक रेगुलर एक इंटरवल ऑफ टाइम पे, तो उसे हम लोग पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। अब बात करते हैं नॉन पीरियोडिक मोशन की। तो नॉन पीरियोडिक मोशन हम लोग उस टाइप के मोशन को बोलते हैं जो अपना जो मूवमेंट है वो रिपीट नहीं करते। जैसे कि पीरियोडिक मोशन में रिपीट कर रहा था, ए पे गया फिर बी पे गया फिर ए पे आया, तो यहाँ पे रिपीट हो रहा है। और नॉन पीरियोडिक मोशन में रिपीट नहीं होता। जैसे कि मान के चलिए कोई बर्ड मूव कर रहा है आकाश में, तो वो एक मूव कर रहा है, वो रिपीट नहीं हो रहा है, वो अपना उड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि एक पोजीशन पे उड़ के गया तो फिर वहीं पे आ जाएगा, फिर जैसे ट्रक जा रहा है तो ऐसा नहीं कि जहाँ जाया फिर वहीं पे आया, वो अपना जो है रिपीट नहीं कर रहा है, जहाँ पे वहीं पे रहता है, नहीं है, जहाँ उसको मूव करना होता है वहाँ चले जाता है। ऐसा नहीं है कि एक जगह से मूव करके गया तो फिर वहीं मूव कर देगा फिर वहीं जाएगा, वह सब जगह मूव करता है, तो इसे हम लोग बोल देते हैं नॉन पीरियोडिक मोशन। तो आज के लिए बस इतना ही।